गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकलेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉरी एलिगेशन चल रहा था, अभी एवरेज तो करा चुके हैं, एलिगेशन का यूनिट 3 कराया जाएगा आज, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, जो लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखे हैं तो पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 देख लें, ताकि आपको यूनिट 3 और भी अच्छे से समझ में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले एक सवाल लेते हैं, एलिगेशन यूनिट क्वेश्चन है, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 4 लीटर है, इसमें 10% जल। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में जल 20% हो जाए। पहला ऑप्शन है 4, 5, 6। सवाल क्या लिए कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन कितना है, 4 लीटर है, उसमें 10% जल है, और इस मिश्रण को कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में जल कितना हो जाए 20%, मतलब जल के लिए 10 है उसको 20 करना है, कितना पानी आप मिलाएंगे आपको यह बताना बात करें। तो इसको बहुत सा तरीका करने में, तो आप बताइए 40 लीटर है, इसमें आप बता सकते हैं कि वाटर कितना है और मिल्क कितना है, क्योंकि वाटर आपको कितना दिया गया है, इसमें बोला गया 10% जल है, इसका 10% निकालेंगे क्या आ गया, 40 का 10% आप निकालेंगे क्या निकल जाएगा 4 लीटर, तो मिल्क कितना आएगा 36 लीटर। पहला तरीका यह हो गया, अभी मेरे पास या तो पानी को बराबर कर लें या तो दूध को बराबर कर लें। मेरे पास पानी अभी कितना है 4, कितना पानी और मिलाएंगे, 1 लीटर मिला दी, मिलाने के बाद जो बताया गया पानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो टोटल मिश्रण में भी बढ़ जाएगा, टोटल है कितना मिश्रण आपका, यह 4 लीटर का मिश्रण है, इसमें भी पानी बढ़ गया, अब इसका कितना परसेंट हो गया 20%, बात क्लियर है। मैं 4 लीटर आपने पानी निकाला 40 में से, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, टोटल पानी अब हो गया कौन, अब नए में पानी की मात्रा कितना है 4+1, और नए वाले में इधर से भी पानी की मात्रा कितना है 40, पहले था टोटल मिश्रण और 1 पानी मिलाया, टोटल मिश्रण में इतना में 20%, बात क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से निकल जाएगा 4+x = 40+x, 20 का मतलब 1/5, 5 से गुना करेंगे 5 + 20 + 5x = हो गया 40+x, यहाँ से जाएगा 4x = हो गया 20, x कितना निकल गया 5, आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x = 5 निकला है, ये हम लोगों ने क्या निकाला कि पानी बराबर कर लिया, आप चाहे दूध को भी कर सकते हैं, दूध को कैसे करेंगे, पहले दूध कितना था 36, आपने क्या मिलाया पानी, पानी मिलाएंगे के मिलाकर जो नया मिश्रण बनाए तो वह मिश्रण का वेट कितना हो गया 40+x, पहले 40 था कितना हो गया वेट नया 40+x, तो 40+x में दूध कितना, क्योंकि 40+x में आपका पानी है कितना 20, दूध हो जाएगा 80, और पहले आपका दूध कितना था 36, क्योंकि आप पानी मिलाएंगे, दूध तो मेरा 36 शुरू में भी था अभी भी 36 ही रहेगा, और पानी मिलाने के बाद अब जो दूध हो गया वो कितना हो गया 80% का पानी है 20%, इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे 36 हो गया 40+1 20 + 80 = 5, 4 × 36 =
45 कितना का जाएगा हमको, 45 बढ़ेगा 45, बात क्लियर। चलिए एक तरीका और करते हैं एलिगेशन से, है ना। एलिगेशन से कैसे करेंगे, एलिगेशन बताया गया था या तो दूध लेके चलेंगे या तो पानी लेके चलेंगे। अभी हम इसमें लेके चलते हैं दूध, ध्यान बताइए। अभी दूध कितना है इस 40 लीटर में, दूध आपका कितना है 10% जल है, दूध 90%, क्या हो गया 90 और यह 40 लीटर, बात क्लियर है। इन 40 लीटर में आपका जो है 10% जल है, दूध कितना है 90%, और आपने कितना पानी मिलाएंगे। अरे मैं 1 लीटर पानी मिलाया, इसमें आपका दूध कितना है 0%, और मिलाने के बाद अब आपका 20% यहाँ क्या हो गया जल हो गया, दूध कितना 80%, बात क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, शुरू का 10% जल दूध हो गया 90, पानी मिला 1 लीटर तो पानी में दूध नहीं है 0, मिलाने के बाद जल हो गया 20 तो दूध कितना 80, तो यहाँ सब घटाएंगे 80 हो जाएगा और यहाँ सबका 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 80 और 10, ठीक है 8:1, 8×5=40, 8 = 40, 1 = कितना 5, 1 ये कितना निकल गया, क्लियर है। 8:40, 1:5, तो ये 1 कितना हो गया 5, x का मान कितना हो गया 5। यदि आपको पानी लेके चलना होगा तो यहाँ कितना लेंगे 10, यहाँ पानी कितना हो जाएगा 90, सॉरी 100, थोड़ा पानी है ना 100 हो जाएगा, या पानी आप लिए तो पानी का आदि परसेंटेज हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पानी कितना होगा 100 और यहाँ पानी कितना 90 दूध 10 और यहाँ पानी कितना होगा 80 दूध 20, बात क्लियर। लेकिन इतना करने का आवश्यकता यहाँ नहीं था, यहाँ हम लोग सिंपल क्या कर लीजिए, सिंपल यहाँ कर लीजिए, कितना तरीका हो गया चौथा नंबर तरीका, एक ही बात हम क्लियर करते हैं। आपको करना क्या है, या तो दूध या पानी, आपको देखना क्या कॉन्स्टेंट है। यदि आप दूध मिलाएंगे पानी कॉन्स्टेंट और पानी मिलाएंगे तो दूध कॉन्स्टेंट, हम मिलाने क्या जा रहे हैं पानी, इसका मतलब हो गया कि दूध कॉन्स्टेंट होगा, तो दूध को बराबर कर लेंगे पहले कर बात का। पहले दूध कितना है 40 का, कितना 40 लीटर में आपका दूध कितना है 90%, 10% जल था तो 90%, और अब जो पानी 1 लीटर मिलाया, मिलाने के बाद अब दूध कितना 20% जल, दूध कितना 80%, क्या दोनों बात बराबर होगा, पहले का दूध और अभी का दूध बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पानी आप मिला रहे हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो शून्य शून्य से कट जाएगा, परसेंट परसेंट से कट जाएगा, 9 × 36 8 से कटा जाएगा 45, तो 9 × 5 45 में 40 घटेगा, x का मान कितना 5, तो आप एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बात आपको समझ में आ गई होगी, और भी बेस्ट सब एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ आप लोग मेरे साथ बैठो, तो सवाल तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। दो बोला गया ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% शुद्ध मिलावट पाई जाती गई है, उसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो अब मिलाने क्या जा रहे हैं, अब मिलाने जा रहे हैं शुद्ध, इसका मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा, वो शुद्ध जो मिलाएंगे वो तो बदल जाएगा, कांस्टेंट क्या रहेगा जो आप नहीं मिलाए, तो यहाँ क्या नहीं मिला रहे आप शुद्ध मिला रहे हैं तो शुद्ध आपका कांस्टेंट हो जाएगा, शुद्ध आप नहीं मिला रहे तो शुद्ध पहले कितना था 50 में से 20%, अब क्या बोला गया 50 में आप कितना मिलाएंगे x मिला दिए, इसमें अशुद्धता कितना रह गई 5%, बात क्लियर है। पहले आपका 20% अशुद्धता, अब कितना शुद्ध मिलाएंगे, इसका अशुद्ध कांस्टेंट, पहले का अशुद्ध और अभी का अशुद्ध, अभी कितना है 5%, तो 5 से 4 बार में कट जाएगा 20 × 80 सॉरी 5 से 10 बार में कटेगा ना, 5 से 10 कितना पानी और मिलाया जाए, क्या मिलाना जा रहा है पानी कांस्टेंट क्या होगा दूध, ताकि दूध का पानी का अनुपात दिया हो जाए। चलिए बताइए इस 75 में से आपका दूध कितना पहले है, दूध का पानी से 2:1, तो 3 भाग में 2 भाग हो गया, 3 भाग में 2 भाग, अब कितना पानी मिलाएंगे 75 + x जो कितना हो गया, अब दूध का पानी अनुपात 1:2 मतलब 3 भाग में 1 भाग, ये कट जाएगा 75 × 150 घटेगा, x का मान कितना हो गया 75 हो गया,
बात क्लियर है। चार में कहता है एक मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात दिया हुआ है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। अब देखिए 10 लीटर निकाला गया, उसके जगह मिलाया गया क्या पानी। देख बात बताइए, अरे हम पानी मिलाएंगे तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, दूध रहेगा। दूसरी बात, यदि मान लें कि 100 लीटर आपके पास मिश्रण है दूध पानी का, है ना, यदि दूध पानी मान लेंगे 100 लीटर में आपका दूध पानी का अनुपात मान लेते हैं 2:3। आज हम इसको दो भाग में बांट लेंगे, 50 लीटर और ये 50 लीटर, इसमें भी दूध पानी का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। यहाँ भी दूध पानी का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। कहने का मतलब क्या, किसी मिश्रण में जिस अनुपात में दूध पानी यदि हम निकालेंगे तो जो बचेगा उसमें दूध पानी का अनुपात वही होगा, और जो आप निकाल के आप लिए उसमें दूध और पानी का अनुपात वही होगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ दूध निकलेगा और पानी निकलेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। चलिए, तो ये हम यहाँ बताना चाह रहे थे कितना है कि आपका टोटल कितना दे, दूध पानी का अनुपात 2:3 था, 10 लीटर निकाला गया और फिर उतना ही पानी डाला गया तो अनुपात बदल गया, तो बताना है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो मान ली प्रारंभिक मात्रा x थी, जब तक आप निकाले इसमें कोई फर्क पड़ेगा तो दूध आपका हो गया 5/2, और निकाले दूध डाले पानी, ठीक है, अब यह अनुपात कितना हो गया 3/2। देखिए जब बात समझ आया आप लोगों को, देखिए प्रारंभिक मात्रा मान ली कितना, प्रारंभिक मात्रा आपको निकालना उसको हम x मान लिया। जब तक हम निकाल रहे हैं x क्या निकालेगा, मिश्रण मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, निकालने तक मेरा दूध पानी का अनुपात 2:3 ही रहेगा, तो दूध मेरा कितना 5/2 होगा, 5/2। निकालने हम क्या है मिल्क और वाटर, डाले क्या है वाटर, तो कॉन्स्टेंट क्या रह गया दूध, पहले का दूध और अभी का दूध, इतना में आप पानी डाल दिया, पहले इतना था 10 सब निकाल दिया, तो दूध और पानी अब कितना बचा, x-10, उसमें दूध है मेरा 5/2 भाग, अब x-10 था उसमें आप 10 लीटर पानी डाल दिए, अब दूध पानी का अनुपात होगा 3:5, 8/3। इसको आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कट ही जाना, या जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 में 16, 16x माइनस 160, 5 से 15x, यहाँ से x निकल गया 160। क्या आप लोग दिख पा रहे हैं 160, चलिए तो 160, और नहीं दिख पा रहे तो आप लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है, आंसर कितना आ गया 160। आगे चलें, 5 नंबर सवाल दिया गया, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो अंत में दूध पानी का अनुपात बताना है। अब यह बताइए दूध पानी का अनुपात बताना है मिल्क और वाटर, पहले कितना लीटर था 50 लीटर, उसमें आपने कितना निकाला, उसमें 2:3 का अनुपात था 50 लीटर में, अरे हम 10 लीटर निकाल भी लेंगे तो अनुपात तो मेरा वही रहेगा, आपने 10 लीटर निकाल दिया है उसे पानी मिलाया है, तो 10 लीटर निकालने के बाद कितना बचेगा, 40, और यहां भी 50 में से 10 निकाल लिया अभी 40, तो अब कहने का मतलब था कि 50 लीटर में दूध पानी का अनुपात है, 10 लीटर निकाले तो निकाल लिए, 10 लीटर निकालने के बाद कितना बचेगा 40, इस 40 में आपका दूध कितना है 2:3, 5, 2:3 कितना हो गया 5 हो गया, 5 होने का मतलब हो गया कि हम यहां लिख सकते हैं 2/5 और यहाँ 3/5, बात क्लियर है, कहने का मतलब होगा कि 5/2 तो क्या है दूध, 2/5, 5/3 क्या है पानी, 3/5, ठीक है, 10 लीटर निकाल भी रहेंगे दूध पानी का अनुपात वही रहेगा। अब जो 10 लीटर निकाले थे आप मिश्रण, उसके जगह क्या डाल दिया, उतनी पानी डाल दिया, पानी को पानी का, तो पानी वाटर नीचे रखिए और मिल्क में नहीं जाएगा, वहाँ 0 हो गया, बात क्लियर है। यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे 50 में 10 घटेगा 40, 40 को 5 से भाग लगाएंगे 8, 8 में 16 हो गया, और यहाँ 5 से कटाएंगे 8 से 24, 10 से 34 हो गया, 8 में 5 17, क्लियर है। 16 में आपको बहुत बड़ा सवाल नजर आ रहा, लेकिन बहुत ही इसको आसानी से लोग बना पाएंगे, 3 बर्तनों में पानी भरे हैं, ठीक है, आप लोग भर लीजिए पानी बर्तनों, पहले बर्तन के बड़े 3 भाग पानी निकाल कर दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर इस प्रकार दूसरे बर्तन में भरे कुल पानी के 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, अंत में इस प्रकार तीसरे बर्तन भरे पानी के 1/10 भाग पहले में डाल दिया जाता है, तो अंत में तीनों बर्तन में पानी 9 लीटर हो जाता है, तो आराम में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा क्या थी। तो यह सवाल एग्जाम आया हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एक बात यह बताइए, जब 3 बर्तन आपके पास है, मान इसमें ए लीटर था, इसमें बी लीटर था, इसमें सी लीटर था, अरे इससे निकाल किसमें डाले, इससे निकाल किसमें डाला गया, इससे निकाल किसमें डाला गया, तो तीनों को मिलाकर आयतन तो बराबर होगा, जो पहले तीनों को मिलाकर आयतन होगा वही अभी भी होगा,
तीनों मिला करके आयतन कितना का रहा है, अब बराबर बराबर हो गया, तीनों बर्तन में नौ नौ लीटर हो गए। नौ नौ होने का मतलब नौतिया 27, जोड़ के देखिए 27 कहाँ आया, 12 8 20 7 27, 12 7 19 6 25, 6 5 11 8 19, बात क्लियर। लेकिन अरे अब इसको निकालना चाहेंगे तो हम निकाल के बता देते हैं, पहले बर्तन का आयतन मान है, अब पहले से कितना निकाला, 1/3 निकाला गया, 1/3 निकालेंगे कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, और 1/3 इसमें डाल दिए, लगे कि पहले का एक तिहाई निकालेंगे दो तिहाई बचेगा, और एक तिहाई किसमें डाल दिया गया, दूसरे में डाल दिया गया। फिर इस प्रकार दूसरे बर्तन में भरे पानी कितना निकालना, एक चौथाई निकालना, इसका एक चौथाई जब निकालेंगे कितना बचेगा, इसका एक चौथाई निकाल दीजिए, एक चौथाई निकालेंगे 3/4 बचेगा, और एक चौथाई यहां चला गया। क्या यह बात आप लोगों को पता चला, इसका एक चौथाई निकाले, इसका एक चौथाई यहाँ लिख दिए, सी के साथ चला गया, और इसमें बचेगा कितना, इसका 3/4 बचा। फिर क्या बोला गया, तीसरे बर्तन में डाल देते हैं, अंत में इस प्रकार तीसरे बर्तन से भरे पाने 1/10 निकालना है, इसका 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ जुट जाएगा उसमें सी प्लस बी प्लस ए बाय 3 का 1/4 का 1/10 आ गया, इस पूरे का 1/10 सी प्लस लिख दिए इतना, उसका 1/10 आ गया, तो बचेगा क्या 9/10। अब इस प्रकार वाला तीनों का आयतन बराबर हो गया, जो कितना कितना आ गया 9-9 लीटर आ गया, तो यह भी 9 लीटर है, यह भी 9 लीटर है, और यह भी 9 लीटर है, ठीक है। अब एबीसी का मान आपको निकालना है, निकालते हैं, चलिए देखिए यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बी प्लस ए बाय 3 कितना निकलेगा, 3 3 9 3 4 12, बी प्लस ए बाय 3 12 निकला, जब बी प्लस ए बाय 3 का मान हम 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में जाएगा ध्यान से, 9-9 पहले कट गया, 10 उधर चला जाएगा, और यहाँ 12 में 4 से भाग लाएंगे 3, 3 को 10 में घटाएंगे 7, तो सी का मान निकल गया 7, ठीक है। इसमें आइए सी का मान 7, इसका मान निकाले आप बी प्लस ए बाय 3 का मान निकाले 12, कितना हो गया 12 में 4 से भाग लगाएंगे 3, और यह 7 10, 10 को 10 से भाग लगाएंगे 1, 1 यहाँ घटेगा 8, 8 को 2 से भाग लगाएंगे 4, और 3 से गुना करेंगे 12, एक का मान 12, अब लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक का मान 12, और जब एक का मान 12 यहाँ रखेंगे, 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, 4 यहाँ घटेगा 8, बी का मान 8, और सी का मान 7, तो 12 8 7, 12 8 7। अब समझे, जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि मीठा फिर बताना तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे आप लोग जैसे जैसे हम किए फिर आप इसको फिर बेक करके आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात सवाल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पहले हमने ऑप्शन से बनाने का प्रयास किए, जो ऑप्शन से आपको सीधे आंसर मिल गया, लेकिन उसको प्रोसेस आपको बता दें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।